तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड जंक्शन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है रूपेश। दोस्तों आज चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों जैसे आप लोगों को पता है कि हम यहाँ अपने चैनल पे बैंकिंग से रिलेटेड, पेटीएम वगैरह से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों आप ये वीडियो प्ले किए हैं कि हम अपना मोबाइल नंबर अपने खाते से कैसे रजिस्टर करें इसके लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ पर जैसे आप लोगों को पता है यहाँ पर लॉकडाउन है और सभी लोग अपने मोबाइल से नंबर से अपना बैंक बैलेंस वगैरह चेक करना चाह रहे हैं, जनधन वगैरह का पैसा वगैरह आया है या दोस्तों यहाँ पर उज्ज्वला योजना वाला पैसा है। तो सब लोगों को, काफ़ी लोगों को यहाँ पे दिक्कत हो रही थी और काफ़ी लोग सर्च कर रहे थे कि हम अपना जो मोबाइल नंबर अपने खाते से कैसे रजिस्टर करें। तो दोस्तों इस पर बहुत सारी वीडियो बनी थी, बहुत सारे तरह तरह की न्यूज़ वगैरह थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो रियलिटी है एक अच्छी सी वीडियो बना के बता दूँ कि अपने खाते से मोबाइल नंबर कैसे रजिस्टर किया जाता है, पूरा डिटेल से जान लेते हैं। जैसे आप लोग को पता होगा मैं बैंकिंग की रियल जानकारी, जो अच्छी जानकारी होती है, मैं आप तक पहुँचाता हूँ। तो एक गुजारिश होगी आपसे कि वीडियो आखिरी तक देखिएगा, चाहे आप किसी भी बैंक के यहाँ पर खाता धारक हैं, ठीक है, मैं नंबर लिंक करने का प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो आखिरी तक देखेंगे तभी स्टेप बाय स्टेप आप समझ पाएंगे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। आइए देखते हैं कैसे कैसे क्या है। दोस्तों साइड में लगाएंगे स्क्रीन, चलेंगे लाइव और देख लेते हैं कैसे कैसे क्या है। लेकिन दोस्तों एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा इसी तरह की ट्रूथफुल वीडियो पाने के लिए। आइए दोस्तों साइड में लगाएंगे स्क्रीन और देख लेते हैं कैसे कैसे क्या है। तो सबसे पहले हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। इसके बहुत सारे कस्टमर हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना नंबर हम कैसे लिंक करें, तो सिंपल हमको करना क्या होगा, आइए हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा देते हैं। तो आप लोग को पता भी होगा कि यहाँ पे एक ऐप आती है जो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल ऐप है, ठीक है, और जिसका नाम है SBI क्विक, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे इस ऐप को बनाया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, साफ साफ लिखा है। तो इस ऐप में एक फीचर्स मिलता है हमको, फीचर्स ये मिलता है कि हम डायरेक्ट अपने खाते से अपना नंबर लिंक कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग इस ऐप को यूज़ किए होंगे और अपना नंबर वगैरह रजिस्टर किए होंगे, कुछ लोग का हुआ होगा, कुछ लोग का नहीं हुआ होगा। आइए प्रोसेस जान लेते हैं, फिर SMS वाला प्रोसेस जान लेते हैं कि SMS से कैसे नंबर वगैरह लिंक किया जाता है, ठीक है। आइए यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा करेंगे वेट। और यहाँ पर मैंने साइड में स्क्रीन तो लगाया ही है। अब आइए चलते हैं इस ऐप को हम करते हैं ओपन, जिसका नाम है SBI क्विक। इस ऐप को जैसे ही पहली बार ओपन करेंगे तो कुछ परमिशन वगैरह मांगे तो अलाउ कर दीजिएगा, अलाउ करेंगे तो अच्छे से वर्क करेगी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन हैं, अकाउंट सर्विस है, ATM कम डेबिट कार्ड है, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, PM सोसाइटी सिक्योरिटी स्कीम डाउनलोड, एनो। तो सिंपल है, हमको तो अपना नंबर लिंक करना है तो अकाउंट सर्विस वाले पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रजिस्ट्रेशन है, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, चेक बुक रिक्वेस्ट, 6 मंथ स्टेटमेंट, एजुकेशन लोन, इंटरनेट कट, होम लोन और यहाँ पे डिजिटल रजिस्टर का नाम, मतलब यहाँ पे ऑप्शन है हमको अपना नंबर रजिस्टर करना है। तो हमको क्या करना होता है, सिंपल है, मैसेज बॉक्स में जाते हैं, यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने अपना यहाँ पर अकाउंट नंबर दे दिया, ठीक है, सिंपल है, सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते हैं हमारा मैसेज बॉक्स ओपन होता है, मैसेज बॉक्स ओपन करके और ये वाला मैसेज ऐसे सेंड कर देना होता है। जैसे ही सेंड करेंगे तो उधर से हमारा एक रिप्लाई आता है कि आपका नंबर आपके खाते से रजिस्टर कर दिया गया, क्या होगा, उधर से प्रोसेस हमको आ जाता है। लेकिन अब बारीकी से समझ लेते हैं ये है क्या, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि मोबाइल नंबर से ही पूरा ट्रांजेक्शन, ठीक है, आपके खाते का पूरा ट्रांजेक्शन मोबाइल नंबर से ही होता है, एक तरह से कह सकते हैं, अगर UPI के थ्रू आप पेमेंट वगैरह करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नंबर, यहाँ पे जो है बैंक में लिंक करना तो आसान बात नहीं है। शायद आपको बुरा लगे कि हम अपने, मतलब हमने इस वीडियो में मतलब बताया नहीं, नंबर आपका लिंक नहीं हो पाया, लेकिन जो रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों ये जो ऐप है ये तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल, तो मानेंगे आप, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन दिया गया रजिस्ट्रेशन का, अगर जिनका पुराना अकाउंट पहले का होता था और उनका नंबर खाते से लिंक ही नहीं रहता था, कभी बार नहीं लिंक रहता था, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस पर क्लिक करके कुछ यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट करना होता था, कुछ अकाउंट नंबर वगैरह अपना डिटेल वगैरह देना होता था तो खाते से लिंक हो जाता था। लेकिन अगर बात करें इस समय, तो इस समय के लिए नहीं वर्क कर रहा है। जैसे मान लीजिए आपका खाते से नंबर लिंक था, हट गया, फिर लिंक करवाना चाहते हैं, तो इस ऐप वगैरह से कुछ नहीं होने वाला। और दोस्तों एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आप मैसेज के थ्रू भी यहाँ पर वो नंबर लिंक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे REG रजिस्ट्रेशन लिख कर अपना अकाउंट नंबर लिख कर आपको भेजना रहता है 92-23-48-88-88 पे। बहुत सारे लोग ये भी प्रोसेस बताएंगे, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये प्रोसेस बस उसी में वर्क करेगा कि जैसे अगर आपका नंबर कभी भी खाते से नहीं लिंक है तो कुछ यहाँ पे स्टेप आपको फॉलो करके यहाँ से लिंक करवा सकते हैं, अगर कभी भी कोई नंबर लिंक नहीं, उसके लिए फर्स्ट टाइम के लिए। लेकिन अगर आपका नंबर लिंक था, हट गया है, फिर दूसरा नंबर लिंक करना चाहते हैं, डीरजिस्टर करना चाहते हैं, तो बहुत सारी दिक्कत। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आप ही की सुरक्षा के लिए मैं कहना चाहता हूँ, शायद आपको बुरा लगे, दोस्तों अपना मोबाइल नंबर वगैरह अपने ब्रांच से जाके अपने सेफ्टी, अपने सुरक्षा के लिए अपने नज़दीकी ब्रांच से एक बार ब्रांच में जाएंगे, वहाँ से अपना नंबर आप चेंज करवा लीजिए, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपने ब्रांच से चेंज करवा लेंगे काफ़ी अच्छा रहेगा, आपके सिक्योरिटी के लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। अगर आप किसी भी बैंक के खाता धारक हैं तो हम तो आपसे
आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हर देखिए यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना एक ऐप दी है, लेकिन वो भी मतलब फीचर पूरा वर्क नहीं करता है, कभी करता है कभी नहीं करता है, ठीक है। लेकिन अगर अदर बैंकों की बात करें तो अभी ऐसा कोई बैंक नहीं मतलब दिया है कि हम अपना जो मोबाइल नंबर है रजिस्ट्रेशन कर पाएँ कोई ऐप वगैरह से या घर बैठे मोबाइल नंबर वगैरह से, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आप अपने ब्रांच से करवा सकते हो क्योंकि आपके मोबाइल नंबर पर पूरा डिपेंड करता है ट्रांजेक्शन वगैरह, ठीक है। अपने ब्रांच से करवा लीजिए दोस्तों, सबसे बेस्ट है। आपकी सिक्योरिटी के लिए अगर कोई कहे कि इस ऐप से कर लीजिए उस ऐप से कर लीजिए, ना करें तो बेहतर है। हाँ एक चीज़ हो सकता है, अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं, यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह आपका है तो वहाँ से आप अगर चेंज वगैरह कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पर्सनल डाटा आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से ऐप वगैरह की मदद से नहीं हो पाएगा, इस ऐप वगैरह के चक्कर में भी ना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल ऐप थी तो इसके बारे में बता दिया, ये तो रियल है। एक बार ट्राई कर लीजिएगा, अगर ठीक है नहीं करेगा नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप अदर बैंक के यहाँ पर कस्टमर हैं तो ऐसा मत करिएगा कि किसी ऐप वगैरह के थ्रू आप यहाँ पे वो भी ऑफिशियल ऐप ना रहे उसके थ्रू आप नंबर वगैरह लिंक करिए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप ब्रांच से प्लीज कॉन्टैक्ट करके अपना नंबर वगैरह लिंक करवा लेते। उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई प्लीज वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फ्रेंड अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड।